मैंने एनसीईआरटी करने के लिए कहा था, करिए। हाँ यस सर। दो एक्सरसाइज दी थी मैंने करने के लिए। चलो यस सर। यस सर। प्रॉब्लम बता दो मुझे। हाँ जी बेटा, आपकी फर्स्ट क्लास आज बेटा। कितना किया हुआ आपने 10 दिन का अभी तक? कुछ भी नहीं किया हुआ। कुछ थोड़ा बहुत कोई आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं किया हुआ। आपने क्या लिया? नॉन मेडिकल लिया? क्या लिया? नॉन मेडिकल। अच्छा, हमारा सिलेबस थोड़ा आगे हो चुका है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस की जो टाइम है वो 11:30 to 2 है, 11 to 12:30 या 1 तक है, वो ट्यूजडे में था। मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ जो हमारा हो चुका है। ठीक है। आप बस अभी एक्चुअल में क्या है कि ये जो क्लास है ना, इस क्लास में अब ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। मैंने ये टिक किया जो आपके सिलेबस का पार्ट हो चुका है, इसमें मैंने इससे स्टार्ट किया हुआ जो 11:30 क्लास है, सेट से शुरू किया हुआ। उसके बाद इसी ऑर्डर में उसमें मैं कवर कराता रहा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आज की क्लास में हमने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया इससे, और ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। सिर्फ क्या हो रहा है कि अब मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हर कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो दिक्कत आपको इस क्लास में आएगी क्योंकि आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट मिस हो रहा है। तो कोई नया टॉपिक भी नहीं करवाना कि मैं उसके साथ आपको कवर कर सकूँ। ये रेगुलर क्लास है, इसमें टॉपिक हो चुका है। अब इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा, इसका पीछे से कोई लिंक नहीं। हाँ ये रेगुलर में मिलने वाला, ठीक है। तो इसका मैं कोशिश करूंगा देता रहूंगा। फिलहाल आज की क्लास का आप नोट करते रहना, जो कुछ भी मैं बताऊंगा, ठीक है। नहीं समझ आएगा कोई नहीं, वो सारा बाद में कवर होगा। हाँ चैप्टर 10 के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ कि टॉपिक सारा हो चुका है, तो इससे कोई इंप्रेशन मत लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है। एंड ऑफ सितंबर है ना, तो तब तक हम सितंबर खत्म कर देंगे। वो सिलेबस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, तो मैं उससे पहले खत्म कर दूंगा। हाँ जी बेटा जी, मैंने आपको कहा है, मुझे बताओ 10.3 एंड मिसलिनियस, ये दो एक्सरसाइज दी थी मैंने। हाँ जी बेटा जी, 10.3 एंड मिसलिनियस दो एक्सरसाइज दी थी ना, करिए बेटा। हाँ जी बेटा, आपने करिए नहीं? क्यों? ओके बट आपने करे हैं? नहीं जी। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं उन्होंने करी है 10.3? यस सर। ओके, किस किस ने करी है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर बोर्ड का ना व्यू चेंज हो गया। वो अभी मैं 1 मिनट के लिए चेंज हुआ, अभी मैं वो कर देता हूँ वापस, ठीक है। मैं जस्ट ये देख रहा था कि किस कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। शिवांगी, हरमनदीप, दिशा एंड मिली, ठीक है। मिली आपने करे बेटा? मिस्टीरियस नहीं करी, 10.3 कर गए, ठीक है जी। दिशा आपने? सर मेरी आज पहली क्लास है। ओके तो दिशा, मैं आपको एक चीज बताया था, मैंने अभी भी एक स्टूडेंट को बताया कि सिलेबस ही काफी आगे तक हो चुका है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, वो हमारी ट्यूजडे ट्रेंड लग रही हैं क्लासेस, तो 11:30 क्लास है, ठीक है। तो उसमें मैंने शुरू से शुरू किया, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ी यहाँ दिक्कत आएगी क्योंकि ये चैप्टर का बिल्कुल एंड है, चैप्टर हमारा हो चुका है, सिर्फ तो उसके मिक्स क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में नोट करते रहना, मैं सारा कुछ बीच में अगर टाइम मिला तो बीच में, नहीं तो फिर बाद में एक्सप्लेन कर ही दूंगा। ओके सर। ओके अरमन आपने करे बेटा? लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? है नोट्स लास्ट क्लास के? आपने लगाई नहीं थी लास्ट क्लास, ठीक है। हाँ जी बोलो, 10.3 के डाउट्स
जिसके हैं अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर बोल दो 10.3 का जो नहीं हुआ आपसे। हाँ जी मतलब नहीं किया बेटा। चलो मैं अपनी तरफ से कुछ एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ एनसीईआरटी, ठीक है? ठीक है लिखो यार क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ही डिक्टेट करा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर बताता हूँ बुक से, बताओ। अगर एनसीईआरटी सबके पास है फिर तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करा देता हूँ। बोलो तो क्वेश्चन डिक्टेट करवा दो। क्वेश्चन डिक्टेट करा दो। सर बोर्ड का अभी भी व्यू उल्टा है। ओ मैं चेंज करना भूल गया था बेटा। अब देखो अब ठीक हो गया होगा। हाँ जी सर हो गया। क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म by the lines y minus x is equal to 0, y plus x is equal to 0 and x minus k equals to 0. Karo zara try. दे देता हूँ मैं। आपने भी नहीं क्लास लगाई बीच में क्यों? क्या नाम क्या आपका? मान लिया। आपका नाम क्या बेटा? चलो फिर ऐसा जो ऑनलाइन क्लास है उनको मैं काम देके आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है? बेटा एक क्वेश्चन और लिख लो इसके अलावा। आई क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन, स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट माइनस वन का सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो ये लाइन गिवन है, ये पॉइंट गिवन है जी। कहता है जी उस लाइन की डायरेक्शन बताओ जो इस पॉइंट से पास कर रही है और उसका इससे डिस्टेंस जो है वो मेरा 3 यूनिट है। ये मेरा क्वेश्चन। हाँ जी मैं ये रब कर रहा हूं और अभी तक जितना भी हमने चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलास किए हैं मैं उनको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिन स्टूडेंट ने पिछला कर चुके हैं सारा वो इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं लगाई हैं बस एक फटाफट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसमें पूरे चैप्टर के अब तक के जितने फॉर्मूलाज हैं मैं सारे कवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो बेटा चैप्टर था हमारा स्ट्रेट लाइन।
सबसे पहले एक बेसिक सिंपल सी चीज जो आपने याद रखनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमारी क्या बन रही है, 2D बन रही है, तो 2D का सिंपल सा बेसिक याद रखो कि प्लेन में कोई भी पॉइंट लोगे उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। फिर अब हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के आपके फॉर्मूला, दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जिसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला देते हैं, क्या होगा जी, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1, ठीक है, ये चीज क्लियर है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर आता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट ए है, ये भी आपने 10th क्लास में किया है, पॉइंट बी है x2 y2, एक पॉइंट सी है, ये इसको m इंटू n रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है। इसमें भी क्या था जी, सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन रेशियो m इज टू n, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या थे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। c डिवाइड्स एक्सटर्नली इन रेशियो m इज टू n, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया जी, अब यहां पे कि सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, पॉइंट सी मेरा बाहर, तो इस केस में पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बस बीच में प्लस की जगह क्या देगा, माइनस एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। अगर सी मिड पॉइंट है, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तब सी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 + x2 / y2 y1 + y2 / y3, क्लियर है। इसके अलावा क्या बोला मैंने, इफ रेशियो इज नॉट गिवन, इफ रेशियो इज नॉट गिवन देन लेट रेशियो एज, उसको कभी भी m is to n नहीं लेना, क्या लेना है, लैम्डा इज टू वन या वन इज टू लैम्डा, ठीक है जी। एक अननोन की टर्म में लेना है, दो अननोन की टर्म में आपने नहीं लेना। इसके अलावा सपोज एक ट्रायंगल दे दिया जी, हमें तीन पॉइंट दे दिए जी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए क्या है, x1 y1, पॉइंट बी क्या है, x2 y2, पॉइंट सी क्या है, x3 y। तो मैं बात कर रहा हूं इसके सेंट्रॉइड की, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। सेंट्रॉइड क्या होता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। अब एक चीज और याद के अंदर, हाँ जी बोलो बेटा सर, सेंट्रोइड समझाएंगे कभी बेटा। सेंट्रोइड के में क्या, बेसिकली कोई भी ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल की जो तीन मीडियंस होती हैं वो हमारे हमेशा कॉन्करेंट होती है, तो वो जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है तो हम सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आता भी कहां से, ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से ड्राइव होता है, इसलिए मैंने सेक्शन फॉर्मूले के बीच में लिखा है, और इसको ड्राइव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज होता है जो आपने सबसे पहले 9th क्लास में किया था, और वो रिजल्ट ये था कि जी डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, ठीक है जी। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो क्या होता है जी, 2:1, वर्टेक्स की साइड 2 होगा और बेस की तरफ 1 होगा, इससे हमारे पास ये चीज आ जाती है।
अगर ट्रायंगल के तीनों के वर्टिसेस पता है तो हम एरिया भी बता सकते हैं। हाँ जी, क्या फॉर्मूला था हमारा एरिया का? हाफ मॉड ऑफ क्या लेते थे, एक्स वन के साथ वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर एक्स टू क्या लोगे वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई। क्लियर है जी? तो यहां तक का बेटा ये सारे फॉर्मूला जो मैंने लिखे हैं ये टेंथ क्लास के लिखे हैं, इन फॉर्मूलाज की इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी आपको ये सारा रिवाइज करवाया था। ठीक है, तो ये टेंथ क्लास का काम है जो आपने याद रखना है, आपको टेंथ तक जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया। अब हमारा स्टार्ट हुआ जी लाइन, तो लाइन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन की डायरेक्शन। अब लाइन की डायरेक्शन के लिए एक रेफरेंस लिया हुआ है कि लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, अब देखो प्लेन है, डायरेक्शन बतानी है तो एक हमें कॉमन बेस चूज करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। जो रेफरेंस पॉइंट हम चूज करते हैं वो हमेशा क्या चूज करते हैं, एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल की टर्म में बताएंगे कि लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है। सपोज मैं मान लेता हूं ये एंगल मेरा क्या है जी थीटा, तो इस एंगल का एक नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन मेरी पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 डिग्री के ऊपर। मैं बोलू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज 30 डिग्री, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। मैं बोलू 120 डिग्री, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल 120 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? पर एंगल की टर्म में डायरेक्शन बताने की बजाय हम इसमें एक नया कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। करते हैं स्लोप ऑफ लाइन, जो स्लोप ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है जी, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टैन थीटा क्वेश्चंस में आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपने टर्म वन में नहीं करी, आपके सिलेबस में टर्म टू में। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ एक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है जी, जो इस चैप्टर में यूज हो जाती है बार बार। तो पहली चीज है आपकी पाई की नोटेशन, तो पहली चीज आपने याद रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। अब ये डिग्रीज है, ये पाई मेरा किसमें आएगा, रेडियन। ठीक है जी, और जो पाई है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, वो 22/7। ठीक है जी, तो अगर आपको किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, एक्स डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करना है, तो आपने उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स डिग्री मेरा पाई एक्स बाय 180 रेडियन के इक्वल है। ठीक है, एंगल के क्वाड्रेंट्स होते हैं, एंगल के क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, देखो यहां 0 डिग्री एंगल है, यहां 90 डिग्री एंगल है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहां पे क्या आ गया जी, 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक कंसेप्ट होता है हमारा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। याद रखने के लिए अलग अलग मेथड है, वर्ड से याद रखते हैं, ए एस टी एंड सी। ट्रिग्नोमेट्री में पूरी डिटेल में करेंगे, एक लेक्चर सिर्फ इसी चीज भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे हल्का सा और बता रहा हूं, ऑल स्कूल टू कॉलेज कर देते हैं, कहीं ऐसे याद रखते हैं, एड शुगर टू कॉफी, जैसे मर्जी याद। तो कहने का मतलब जो इस चैप्टर में जरूरत पड़ती है वो ये जरूरत पड़ती है कि टैन मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव तो टैन पॉजिटिव, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल का टैन लोगे तो वो क्या आएगा जी, पॉजिटिव। और अगर आप 90 से 180 के बीच में किसी भी एंगल का टैन लोगे तो टैन की वैल्यू क्या आएगी जी, नेगेटिव। ये चीज क्लियर है जी? तो इससे हम क्या मतलब निकाल रहे हैं कि टैन थीटा इज पॉजिटिव फॉर क्या चीज है जी, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, एंड टैन थीटा इज नेगेटिव फॉर क्या चीज है जी, 90 डिग्री टू 180। इतनी चीज क्लियर है?
अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब ये देखो कि अगर कोई लाइन ये है और एंगल मेरा एक्यूट है, एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है जो जीरो से 90 के बीच में, अगर एंगल जीरो से 90 के बीच में तो टेन थीटा क्या होगा जी पॉजिटिव। तो एक्यूट एंगल से मतलब क्या है कि स्लोप मेरी क्या चीज है जी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ अब्ट्यूज एंगल, तो अब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पे जो स्लोप आएगी, स्लोप मेरी क्या आएगी जी नेगेटिव। इज दिस क्लियर है जी। तो आपने सुना होगा जैसे ये स्लोप एक तरह से डायरेक्शन बता रहे कि भाई ये मेरी इंक्रीजिंग स्लोप है और इसको हम क्या कहते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप मतलब पॉजिटिव, डिक्रीजिंग स्लोप मतलब नेगेटिव। तो ये चीज क्लियर है सबको। ओके जी, ट्रिग्नोमेट्री के एक रिजल्ट और बता रहा हूं जो आपका यूज हो जाता है इस चैप्टर के अंदर। टैन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज माइनस ऑफ कोट थीटा एंड टैन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस ऑफ टैन थीटा। ये दो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट भी हमारे यूज होते हैं, ठीक है जी, इनको आपने याद रखना है। फिर है जी, फिर इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है, ये तो हमारा हो गया एंगल से स्लोप निकालना। लाइन बनाने के लिए सबसे जी फॉर्मेट क्या है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो हमारी क्या बन जाती है जी लाइन बन जाती है। दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो हमारी क्या बन जाती है लाइन बन जाती है। अगर लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट पता है तो हम उससे भी स्लोप को फाइंड कर सकते हैं और वो स्लोप क्या आएगी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अगर आपने पिक क्लिक करने पिक क्लिक कर लो बेटा। क्लियर है जी बेटा, रेडियस में बेसिकली क्या है कि टेंथ क्लास तक आप जब भी एंगल की बात करते हो तो एंगल के लिए यूनिट लेते हो आप डिग्री लेते हो, ठीक है जी। पर एंगल का जो होता है ना डिफॉल्ट यूनिट वो डिग्री नहीं है, वो हमारा रेडियन है। तो रेडियन का कंसेप्ट पहली बार आपको प्लस वन में आता है, उससे पहले आपने रेडियन किया नहीं होता। तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि हम क्या मानते हैं, हम 180 डिग्री को पाई रेडियन के इक्वल मानते हैं। तो अगर ऊपर डिग्री डाल दिया तो वो डिग्रीज में, अगर मैं डिग्री नहीं डालूंगा ना तो बाय डिफॉल्ट उसको हम रेडियन में लेंगे। तो रेडियन के लिए साथ में रेडियन लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री मेरा पाई रेडियन है, ठीक है, तो 90 डिग्री क्या होगा, पाई बाय टू रेडियन। ये पाई आ गया, ये 3π/2 आ। हो सकता है क्वेश्चन में एंगल आपको डिग्री की जगह रेडियन में दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन, तो इसलिए मैंने ये चीज बताई, ठीक है बेटा। बाकी क्लियर है सारा, ओके जी। अब हम आगे चलते हैं बेटा, अभी क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं करा रहा हूं, जस्ट ठीक है जी। इसमें कंसेप्ट ही बहुत ज्यादा हमारे सब का है, अब ये तो हमने बात की थी एक लाइन की डायरेक्शन की, तो हमें कोई दो लाइंस दे दी, हमें कोई दो लाइंस दी हुई है, ठीक है। ये लाइन वन है, मैं मान लेता हूं कि इसकी स्लोप कितनी है जी एम वन है, और ये मेरी लाइन टू है और मान लेते हैं इसकी स्लोप कितनी है जी एम टू है, और इनके बीच का एक्यूट एंगल मेरा थीटा है। एक्यूट एंगल समझ रहे हो बेटा, जब भी आप कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तो उनमें दो एंगल बन रहे, एक ये एंगल बन रहा है और एक एंगल, ठीक है। दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा जी 180, तो उसमें से एक अक्यूट होगा और एक अपीट होगा,
तो अगर लाइन के बीच में एंगल पूछा जाए तो आप बाय डिफॉल्ट दोनों में से कोई भी एक एंगल दे सकते हो, आप ऑब्ट्यूज वाला एंगल भी दे सकते हो, आप एक्यूट वाला भी दे सकते हो, पर मैं कहूंगा कि बेटर क्या है, कौन सा एंगल दिया हमें, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ उस फॉर्मूले से डायरेक्ट हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, हमेशा एक्यूट एंगल ही आएगा, ठीक है। तो थीटा मैंने क्या ले लिया जी, एक्यूट एंगल। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको अपने याद रखना है। इससे डायरेक्ट हमारा क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे केसेस हैं दो, पहला केस क्या चीज है जी, कहता है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, पैरेलल है तो एंगल कितना है, एंगल कितना है जीरो, तो पैरेलल है, ठीक है, ये चीज क्लियर है जी। लाइंस पैरेलल है तो या तो ऐसे याद रखो, लाइन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन हम किससे दे रहे हैं, स्लोप से, लाइन पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब उनकी स्लोप भी सेम है। तो लाइन अगर पैरेलल है तो थीटा क्या जी, जीरो है, टैन जीरो कितना होता है जी, जीरो। तो ये जीरो कब होगा, जब मेरा न्यूमिनेटर जीरो होगा, और न्यूमिनेटर जीरो कब होगा, जब एम वन इज इक्वल टू एम टू होगा, ये चीज क्लियर है जी। फिर हम कहते हैं जी लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर है, क्या बन गया जी, थीटा कितना गया जी 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री क्या होता है, साइंस में किया, टैन 90 क्या होता है, टैन 90 क्या होगा, साइन 90 बाय कॉस 90, साइन 90 वन, कॉस 90 जीरो, वन बाय जीरो, वहां पे वन बाय जीरो को आप क्या लिखते थे, नोटिफाई। अब याद रखो अगर वन बाय जीरो आता है, वन बाय जीरो की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं कभी भी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय जीरो आता है तो आप उसको क्या बोलोगे, इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात, फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय जीरो उसको आपने क्या बोलना है, इन्फिनिटी। फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होगा जी, जीरो, याद रहेगा, फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय जीरो क्या आएगा, इन्फिनिटी, फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या आ जाएगा जी, जीरो, क्लियर है जी। तो अब ये मेरा टेन 90 क्या है, इन्फिनिटी। अब याद रखो इन्फिनिटी बनती कैसे, अभी मैंने बताया इन्फिनिटी तब बनती है जब हम फाइनाइट नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं। तो अगर ये टेन स्लोप मेरी इन्फिनिटी आ रही है तो ये चीज मेरी तभी पॉसिबल है जब मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा जी, जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो से क्या कंडीशन बनेगी, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो रिजल्ट आया कैसे नहीं भी पता लगता, कोई बात नहीं, मेन चीज है रिजल्ट, बहुत कॉमन रिजल्ट है ये, आपने हमेशा याद रखना है। तो रिजल्ट हमारा क्या है, अगर दो लाइंस पैरेलल है उनकी डायरेक्शन सेम है तो उनकी स्लोप भी सेम है, एम वन इज इक्वल टू एम टू, अगर लाइंस मेरी परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है, उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन है, ये चीज क्लियर है जी, याद रहेगी कंडीशन, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या है जी, माइनस वन है, ये क्लियर है जी। तो ये चीज थी हमारी स्लोप के ऊपर, उसके बाद हम शिफ्ट कर गए थे इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर, ठीक है। इक्वेशन से मतलब क्या, लाइन इक्वेशन से मतलब का है कि वो जनरल रिलेशन, वो जनरल रिलेशन जो लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है, वो जनरल रिलेशन जो लाइन का हर एक पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे मुझे पता है ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होती है उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है जी, वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस के ऊपर देखो हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, जीरो। तो ये वो जनरल रिलेशन है जो हर एक पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है। वाई एक्सिस, हाँ जी, वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी जी, एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, जीरो। तो ये जनरल रिलेशन है जो हर एक पॉइंट मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है, ये चीज क्लियर है जी, ओके। इसके बाद इक्वेशंस के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताए थे मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहली फॉर्म जो हमारे पास थी वो क्या थी जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सबसे कॉमन फॉर्म है,
इस फॉर्म को कभी भी आपने नहीं भूलना, सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म देखो क्या कहती है, पॉइंट स्लो फॉर्म ये कहती है कि अगर आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको दो चीजें चाहिए। अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो कितनी चीजें चाहिए, दो, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। सिंपल सी चीज देखो, सपोज मैं कहता हूं ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया। अब मुझे ये बताओ इस एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके जी। अब स्लोप क्या देती है, स्लोप हमें डायरेक्शन दे रही है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि लाइन ने इस पॉइंट से पास करना है और उसकी स्लोप ऐसी होनी चाहिए, तो ऐसी कितनी लाइन है, सिर्फ और सिर्फ एक, इसके पैरेलल लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, सेम स्लोप है और इस पॉइंट से पास कर रही है। तो एक पॉइंट और स्लोप एक यूनिक लाइन की ही बात करेंगे, ये चीज क्लियर है जी। तो अगर लाइन की क्वेश्चन निकालनी है तो हमें दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी दो चीजें, एक तो लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है x1, y1 और दूसरा लाइन की स्लोप। मैं मान लेता हूं स्लोप क्या चीज है जी, f। लाइन के ऊपर पॉइंट पता है, लाइन की स्लोप पता है, तो हम लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना आपने, कैसे है मैंने पहले बताया था, अब नहीं बता रहा, इसको डायरेक्ट याद ही रखना है आपने कि y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो दिमाग को अपने आप इसी तरह से प्रोग्राम करो कि अगर कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है कितनी चीजें चाहिए, दो, और वो दो चीजें हम क्या देखेंगे, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। ये चीज क्लियर है, अगर पॉइंट पता है एंड स्लोप पता है तो हम लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं, और वो इक्वेशन क्या होगी, y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x2, ठीक है जी। नेक्स्ट, सबसे कॉमन जनरेशन लाइन। लाइन को जनरली हम बनाते कैसे हैं, कभी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम दो पॉइंट चूज कर लेंगे, स्केल रखेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। सबसे कॉमन कंस्ट्रक्शन यही है। तो मतलब मोस्टली क्या होता है, हम लाइन को फॉर्म किससे करते हैं, दो पॉइंट से फॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। नाम्स नहीं भी याद रहेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये चीज है। अब टू पॉइंट फॉर्म क्या चीज है, देखो कि लाइन के ऊपर दो पॉइंट पर, मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट यही याद रखो कि लाइन के ऊपर क्या चाहिए, पॉइंट, दूसरा क्या चाहिए, स्लोप। हाँ जी, पॉइंट पता है, क्या नहीं पता, स्लोप नहीं पता। अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है तो मुझे पता, मैं उसकी स्लोप फाइंड कर सकता हूं इस फॉर्मूले से। तो हम क्या कहेंगे, इस लाइन की जो स्लोप एम है वो क्या है, y2-y1/x2-x1। अब पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हम इसी फॉर्मूले को दोबारा से यूज करेंगे, पुट कर देंगे इसमें, क्या आएगा जी हमारे पास, y-y1। m की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या वैल्यू m की, y2-y1/x2-x1, साथ में क्या आ गया जी, x-x1। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। तो ये है हमारी टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या आती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म को समझो, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें दो चीजें दी होती हैं, एक दिया होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक दिया होता है वाई इंटरसेप्ट। सपोज मैं मान लेता हूं एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। अब एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट से मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ए है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए। एक्स इंटरसेप्ट ए का मतलब क्या है, लाइन एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मेरा क्या है जी, ए। वाई इंटरसेप्ट बी का मतलब ये है
कि लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट बी है। समझ में आ गया जी? तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट बी है। क्लियर है जी? अभी मैंने एक चीज और बताई है कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। तो ये पॉइंट क्या आ गया जी? ए कॉमा जीरो। वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? जीरो। तो ये पॉइंट क्या आ गया जी? जीरो कॉमा। तो देखा जाए इंटरसेप्ट फॉर्म एक तरह से किस में चेंज होगी जी? टू पॉइंट फॉर्म में। टू पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला पता है। तो टू पॉइंट फॉर्म भी मेरी किससे आ रही थी? इसी से आ रही थी। इज दिस क्लियर है जी? तो अल्टीमेटली लगा हम यही रहे, मतलब मेन फॉर्म ये है, इसी से ही आगे सारी की सारी फॉर्म हम ड्राइव करते जा रहे। समझ में आ गई चीज? तो ये मेन फॉर्म है, इसे ड्राइव करो। तो जब ये पुट करोगे, पुट करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन। तो अल्टीमेटली यूज ये हो रही है, चाहे क्वेश्चन में यूज करते रहो या फिर ऐसी कोई फॉर्म देख के हम शॉर्टकट लगा लेते हैं इस इक्वेशन को याद रख के कि डायरेक्टली है। पर अगर आप ये भूल गए और आपने ये याद रखी हुई है, क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई चीज? इसलिए मैं कह रहा था मेन फॉर्म मेरी यही वाली है। ठीक है जी? फिर नेक्स्ट आती है जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो नाम से देखो क्या लिखा हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि एक तो आपको स्लोप गिवन है, मैं मान लेता हूँ स्लोप क्या चीज है, एम है, और दूसरा आपको इंटरसेप्ट गिवन है, यानी कि एक इंटरसेप्ट गिवन है, मैं मान लेता हूँ हमें वाई इंटरसेप्ट। वैसे तो एक्स भी दिया जा सकता है, ठीक है जी, पर सबसे कॉमनली ये वाई इंटरसेप्ट के साथ किया, तो हम एक ही को कर रहे हैं। स्लोप पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है। अब वाई इंटरसेप्ट सी है, इसका मतलब क्या है? लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट सी है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। मुझे पॉइंट पता लग गया, और क्या पता है? स्लोप पता है। क्या लग गई जी दोबारा से? पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो। पॉइंट क्या है? जीरो कॉमा सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस जीरो। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है जी? तो ये भी मेरी यही से ही आ रही है, ठीक है। पर याद हम इसको इस फॉर्म में भी कर लेते हैं, पर मेन चीज यही है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये बोला जाता ना फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बस सबसे पहले इधर पे ध्यान दो कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, कितनी चीजें चाहिए? दो। कौन कौन सी दो चीजें? एक पॉइंट और एक स्लोप। जो मिसिंग है पहले उसको ढूंढो, उसको फाइंड करो, और फिर इस फॉर्मूले को यूज करो, ठीक है। फिर एक फॉर्म और आती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। ज्यादा यूज नहीं होती है, वैसे भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने करी नहीं है, तो जस्ट इसको एज ए फॉर्मूला ही याद रखो, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? चलो जी, एक लाइन है, फिर हमें ओरिजिन से, ओरिजिन क्या मतलब क्या है? जीरो कॉमा जीरो, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ साथ ये जो नॉर्मल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो भी मेरे को गिवन है, ठीक है। तो पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल, ठीक है जी। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ये चीज क्लियर है जी। तब इस केस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी जी? एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो ये कैसे आया? मैंने पहले ड्राइव करवाया हुआ है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा यूज हमने इसको करना भी नहीं। तो मेन ये ऊपर वाली फॉर्म जी थी, ठीक है जी, इनको आपने याद रखना है। तो चाहे तो आप अकेले इससे काम करा लो, नहीं फिर आप इनको फॉर्म को यूज करते हो, ठीक है जी। सिंपल है, याद रखना, कोई भी मुश्किल नहीं है। हाँ जी, फटाफट जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको मैं ये कहूंगा, बेटा
ये फॉर्म तो अभी याद करो, ये भी याद करो, स्लोप का ये फॉर्मूला भी अभी याद करो, ये दो चीजें तो आपने भूलनी ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम अभी इन्हीं से होना है, ये हर क्वेश्चन में यूज होना है। लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है तो स्लोप कैसे निकालने हैं, ठीक है, लाइन के ऊपर पॉइंट पता है, लाइन की स्लोप पता है, तब लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, ये चीजें तो सबको पता ही होनी चाहिए। स्लोप दो पॉइंट पता है, स्लोप क्या है, वाई टू माइनस वाई वन यानी कि वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये मेरी क्या की थी स्लोप, क्लियर है जी। लाइन की इक्वेशन पॉइंट पता है मुझे एक्स वन वाई वन है, स्लोप पता है मुझे एम है, तो इक्वेशन क्या है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, क्लियर है जी। हाँ जी बेटा, बेटा ये आगे लिख रहा हूँ अभी मैं, जगह और भर रहा हूँ, पूरा बोर्ड उसी वक्त भर जाए फिर कर लेना, ठीक है, तभी मैं उसको नहीं रब कर रहा। अब हम आगे चल रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट है जर्नल इक्वेशन ऑफ टाइम, जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन, जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू। तो सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है वो ये कि एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री वन, कोई भी ऐसी इक्वेशन जो जिसकी डिग्री वन है रिप्रेजेंट्स ए लाइन इन टू, डिग्री वन की कोई भी इक्वेशन, ठीक है जी, हमेशा टू डी में किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम उल्टा काम करने जा रहे हैं, उल्टा काम क्या, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर मेरे को लाइन के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, लाइन की स्लोप दी हुई है, हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सपोज लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हैं तब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट गिवन है तब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों गिवन तब निकाल सकते हैं। तो अब हम उल्टा काम कर रहे हैं कि सपोज क्वेश्चन में ही आपको लाइन की क्वेश्चन दे दी, कि आपको क्वेश्चन में ही लाइन की क्वेश्चन दे दी, तो लाइन की इक्वेशन से आप क्या क्या फाइंड कर सकते, अगर हमारे पास लाइन की क्वेश्चन है तो हम लाइन की क्वेश्चन से लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं, हम लाइन का एक्स इंटरसेप्ट बता सकते हैं, हम लाइन का वाई इंटरसेप्ट बता सकते हैं, ठीक। तो स्लोप बताने के लिए वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही है, पर याद रखने के लिए ये फॉर्म बहुत ईजी रहती है, ये फॉर्म बहुत इजी रहती है कि भी लाइन को इस फॉर्म में लिखो, लाइन की इक्वेशन से क्या करो वाई की वैल्यू निकाल, लाइन की इक्वेशन से क्या करो वाई की वैल्यू निकाल लो, जब लाइन की इक्वेशन से वाई की वैल्यू आ जाए तो जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो मेरी क्या होगी जी स्लोप। जैसे ये लाइन की इक्वेशन है इससे वाई की वैल्यू निकालते हैं, हाँ जी निकालते हैं, क्या होगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई की वैल्यू क्या होगी माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी, ये चीज क्लियर है जी। तो जो ये वैल्यू आ रही है ये मेरी क्या है जी स्लोप है, समझ में आ गई बात, हाँ जी क्लियर है। और इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई, क्लियर है जी, क्लियर है जी, ये फॉर्मूला है बेटा, ये तो मैंने कुछ नहीं किया, ये टर्म थी मुझे वाई की वैल्यू निकालनी तो मैं वाई को एक तरफ रहने दूंगा बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ भेजूंगा, तो प्लस ए एक्स इधर जाके क्या बन गया माइनस ए एक्स, प्लस सी को दूसरी साइड लेके जाओगे क्या बन गया जी माइनस सी, फिर वाई की वैल्यू निकालनी है मैंने बी से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास सी। तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उससे हमने स्लोप कैसे फाइंड करनी है, तो उसका तरीका मेरा ये मेथड था, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, अगर कंफ्यूजन हो रही है कोई भी बेटा एक्स वाई के टर्म में रिलेशन बोल दो, कुछ भी रोल, थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू वन, ओके जी, यहां से वाई की वैल्यू निकालो क्या लिखाओ टू वाई माइनस थ्री एक्स प्लस वन,
टू से डिवाइड कर दो, माइनस 3x बाय 2 प्लस 1 बाय 2, तो स्लोप क्या होगी जी, जो भी x का कोफिशिएंट है माइनस 3 बाय 2। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो कि पहले जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म क्या कहती है कि राइट हैंड साइड जीरो बनाओ, फिर यहां स्लोप लिखो जी, स्लोप क्या होगी जी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, वाई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो क्या आ गया जी माइनस 3 बाय 2। क्लियर है जी, तो मेन चीज आती है स्लोप, बाकी हम एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं तो वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वो पॉइंट जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है जी जीरो, तो सबसे बढ़िया मेथड क्या है एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए, फोर तो वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन में वाई की जगह जीरो डाल दो और एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस सी बाय ए, देखा जाए माइनस सी बाय ए होता क्या है, सी क्या है जी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, चाहे तो इससे निकाल लो या फिर दूसरा मेथड क्या है फुट तो वाई इक्वल टू जीरो, उस तरह से वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट निकालना चाहते तो क्या करोगे फुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये क्या आएगा जी माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। अब जैसे ये इक्वेशन है, मैं आपको इससे पूछता हूं कि इस इक्वेशन में आपने ये बताना है एक्स इंटरसेप्ट क्या है, हाँ जी क्या करोगे जी पुट फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई की जगह जीरो डाल, थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी माइनस वन बाय थ्री, ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है जो डायरेक्ट भी आ सकता था। क्लियर है, हम डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरह से करना चाहो वन बाय ये थ्री एक्स इक्वल टू वन, वाई को जीरो कर रहे हो तो ये वन बाय, ठीक है फोर वाई इंटरसेप्ट क्या करोगे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह जीरो डाल, एक्स की जगह जीरो डालो टू वाई इज इक्वल टू वन, वाई की वैल्यू क्या आ गई थी वन बाय टू, फॉर्मूला से निकालना चाहो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री क्या आ गया जी वन बाय थ्री, माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय टू क्या आ गया जी वन बाय, चाहे इस तरह से निकाल लो या फॉर्मूला से निकाल लो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लाइन की इक्वेशन पता है तो आप लाइन की इक्वेशन से उसकी स्लोप बता सकते हो, उसका एक्स इंटरसेप्ट बता सकते हो, उसका वाई इंटरसेप्ट आप बता सकते हो, तो ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने पिक क्लिक करने पे क्लिक कर लो, चले बेटा आपने नहीं करना इससे क्लिक नहीं करने पूरे, अरे कर लो क्लिक फिर भी आपके एक जगह रह जाएगा सारा नोट, ठीक कर दो बेटा जी, ओके थोड़ा सा रह गया बस हमारा मेन सारा कुछ हो चुका है। तीन चीजें और बता रहा हूं और फिर हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं वापस, ठीक है लाइन पैरेलल टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय, क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो,
आपने ये चीज देखो क्या रखनी है जी, सेम एक्स और वाई के कोएफिशिएंट क्या रखोगे, सेम रखोगे, फर्क किसका आएगा, कांस्टेंट टर्म का, ठीक है। दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन का मतलब सेम स्लोप, स्लोप किससे आती है, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट की रेशियो से। तो अगर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब उनकी स्लोप भी सेम ही रहेगी। बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन रिजल्ट, इसलिए रिजल्ट लिखवा रहा हूं, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय, जब परपेंडिकुलर लाइन की बात करनी है तब आपने करना क्या, कोफिशियंट्स को इंटरचेंज करना है। क्या करना है, कोफिशियंट्स को इंटरचेंज करना है, वाई का कोफिशियंट एक्स के आगे, एक्स का कोफिशियंट वाई के आगे, कोफिशियंट तो इंटरचेंज करने करने हैं, साथ में किसी एक का साइन रिवर्स जरूर करना, तो मैं यहां बीच में साइन का माइनस कर देता हूं, प्लस के इज इक्वल टू जीरो। इस रिजल्ट को भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये वो रिजल्ट है जो आपका टाइम बचाते हैं, ठीक है जी, तो इनको आपने याद जरूर रखना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन फ्रॉम लाइन, आगे लाइन दे दी हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस एक्स वन वाई वन है, ये हमें लाइन दे दी है, लाइन क्या है जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये चीज कैसे करो, तो सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, ये पॉइंट पी है, ये सपोज एम ले रखो, तो पी एम इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है साथ साथ बता रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने राइट हैंड साइड क्या बनानी है, जीरो। जो भी लाइन की इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड क्या बनाओ, जीरो। लाइन की इक्वेशन की राइट हैंड साइड जीरो बन जाए, फिर इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो, यानी एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह वाई वन, तो क्या बनेगा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई होल स्क्वायर, क्या आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आपने डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है जी। बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला, एक पॉइंट और दूसरा क्या है लाइन, पॉइंट एंड लाइन के बीच का, क्लियर है जी। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, आपको लाइंस दे दीजिए, पहली लाइन दे दीजिए आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू, लाइंस पैरेलल है तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट हम क्या रख रहे हैं, सेम रखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, मॉड ऑफ सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होगा, मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू कर लो या सी टू माइनस सी वन जैसे मर्जी कर लो, सी वन माइनस सी टू या सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, आगे लाइंस दे देता हूं, पहली लाइन है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन है ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू, दो लाइंस गिवन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो आपने क्या करना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने को आते हैं ना। जैसे सपोज मैं आपको इक्वेशन देता टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव एंड थ्री एक्स प्लस
और मैं उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालूं, तो आप क्या करोगे, किसी एक का पोर्शन सेम बना, जैसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से जोड़ दो, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल, क्लियर है? तो वो मेरा क्या होगा जी, जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो मेरा पॉइंट ऑफ एंट्री। अब इस चीज को डायरेक्ट करना था, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि क्या करो, दोनों इक्वेशन को राइट हैंड साइड में बनाओ, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में बनाओ, फिर आपने लिखना है पहला पॉइंट एक्स, दूसरा पॉइंट माइनस वन, फिर क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे एक्स, फिर क्या लिखोगे माइनस वन, फिर क्या लिखोगे, अब एक्स के नीचे वैल्यू लिखनी है, एक्स वाला बोलो छोड़ो, रूल दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इनटू दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा हमारे पास, बी वन सी टू माइनस बी टू सी। अब माइनस वाई देखा, वाई के नीचे वैल्यू दी है, वाई वाला बोलो छोड़ो, सेम रूल दिस इनटू दिस माइनस दिस, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ए वन सी टू माइनस ए टू सी। अब वन के नीचे लिख दिया, कॉन्स्टेंट टर्म लिखो, कॉन्स्टेंट टर्म लिखो, सेम रूल दोबारा, दिस इनटू दिस माइनस दिस, क्या है ए वन बी टू माइनस ए टू, फर्स्ट और लास्ट इक्वेट करोगे एक्स आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 c1, y की वैल्यू क्या है, माइनस को जोड़ दिया था, a1 c2 minus a2 c1 upon a1 b2 minus a2 c1, एग्जांपल के तौर पे ये था, सबसे पहले राइट हैंड साइड क्या बनाओ, राइट हैंड साइड क्या लिखोगे, x माइनस वाई, एक्स के नीचे वाले एक्स वाले को छोड़, माइनस थ्री इनटू माइनस सेवन, फिर माइनस का साइन, फोर इनटू फाइव, ट्वेंटी, फोर इनटू माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी डालोगे तो वाई के नीचे वाले वाई वाला को छोड़, टू इनटू माइनस सेवन माइनस, थ्री इनटू माइनस फाइव क्या बन जाएगा, माइनस फिफ्टीन माइनस माइनस क्या निकलेगा, अब वन के नीचे वैल्यू लिखनी है, वन वाला बोलो छोड़ दो, कॉन्स्टेंट को टू इनटू फोर एट माइनस थ्री इनटू माइनस थ्री कितना बन जाएगा, एक्स बाय फोर्टी वन, वाई बाय नीचे वन था माइनस के नीचे माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय सेवन, इसको और इसको इक्वेट करो, एक्स कितना आ गया
आंसर क्वेश्चन दिए थे हो गए बेटा जी, कुछ पूछ रहा हूँ जिसको नॉर्मल क्लास सिखा रहे हैं। हाँ जी बेटा, किए क्वेश्चंस? अनुष्का आपने लेटरिंग किया बेटा आज? हाँ जी, स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए थे दो, मैंने कर लिए सबने? हाँ जी कर दो बोल रहा आप। हाँ जी, क्या क्वेश्चन दिया था? पहला क्वेश्चन क्या था बोलोगे ना? हाँ जी, देखो ट्रायंगल क्या एरिया का कोई फॉर्मूला दिया मैंने आज, बताओ जरा। ट्रायंगल के एरिया का कोई फॉर्मूला दिया है? नहीं दिया कि दिया? क्या कर रहे हो? पूरी रामायण पढ़ ली के बाद दिया था? टेंथ क्लास में किया नहीं हो एरिया का फॉर्मूला? मॉड ऑफ हाफ मॉड ऑफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री वाला, तो वो तो टेंथ क्लास में भी किया है। मुझे पता है ग्यारहवीं के कंसेप्ट याद नहीं रहते, दसवीं के तो आपको हमेशा याद रहते हैं, हैं? तो बेटा जी अब वो फॉर्मूला एरिया अगर निकालना है, देखो सिंपल सी बात है, आप मुझे जनरल बताओ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला पता, क्या क्या तरीके पता आप लोगों को? सारे डिस्कस करते थे, क्या क्या तरीके आपको पता, मैं वो डिस्कस करूंगा। तरीके तो बहुत ज्यादा है, मैं आज के लेक्चर में उस पर नहीं जाता, पर जो अब तक आप करते थे मैं उनको डिस्कस। एक तो ये तरीका पता है कि भाई अगर आपको ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस पता है, ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस पता है तो एरिया का फॉर्मूला। एक आपने ट्रायंगल के लिए क्या किया हुआ है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और एक ट्रायंगल के लिए आपने हीरोज फॉर्मूला किया हुआ है कि अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ पता है तो पहले आप उसका सेमी पैरामीटर यानी कि एस निकालोगे और फिर एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करते हो, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये तीन तो आप लोगों को पता है, ये नहीं कि बस यही तीन है और भी हैं, पर मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, ठीक है, पर ये तीन तो पता। तो कोशिश करने तीनों में से किसी एक फॉर्म में भी जाने की। तो देखो अगर पहले फॉर्म की बात करें तो पहले फॉर्म में हमें क्या चीज थी, वर्टिसेस गिवन नहीं है, तो वर्टिसेस आ सकती है कैसे, क्योंकि ये क्या दिया है, ये तीन मेरी साइड दी है, तीन मेरी क्या दी है, साइड की इक्वेशन दी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि तीन साइड दी है ए बी सी, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है और ये मेरी ये वाली साइड है, ठीक है। तो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है मैंने बताया। पॉइंट बी इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, पॉइंट सी इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो क्या करो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी कि ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस आ गए, ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस आ गए, फिर तो मेरा काम डायरेक्ट ही हो गया। मैंने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज डालनी है, मेरे पास क्या देना है, आंसर आ गया, ठीक है जी। तो हम क्या लिख सकते हैं जी, छोटा मेथड भी है पर मैं भी बड़े वाले पे जा रहा हूँ, थोड़ा आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अप्रोच क्लियर होता है सिर्फ इसलिए, ठीक है। पॉइंट ए इज इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ जी, किस किस की इंटरसेक्शन है, y माइनस x इज इक्वल टू जीरो एंड y प्लस x। अब देखो ऐसी इजी लाइंस के लिए इस मेथड पे जाने की जरूरत नहीं, जो आपको नॉर्मल मेथड था वो बहुत जल्दी लग रहा। देखो y माइनस x इज इक्वल टू जीरो, y प्लस x इज इक्वल टू जीरो ऐड कर दो, 2y इज इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू क्या आ गई जी, जीरो। y की वैल्यू जीरो डालोगे तो x भी क्या आ जाएगा जी, जीरो।
तो पॉइंट ए क्या आ गया जी, 0.0। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। पॉइंट बी, हाँ जी क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ वाई, पहली लाइन क्या है वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरी लाइन क्या है एक्स माइनस के इक्वल। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है k, x की वैल्यू k इधर डालो तो y भी कितना आ जाएगा k, तो पॉइंट b मेरा क्या आ गया जी k, k। क्लियर है जी? पॉइंट c क्या है, पॉइंट c इज इंटरसेक्शन ऑफ y प्लस x इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू के डाल दे सीधा, एक्स की वैल्यू के इधर डालोगे तो वाई कितना आ जाएगा जी माइनस के, तो पॉइंट सी कितना आ रहा है जी के कॉमा माइनस। तो क्वेश्चन अब मेरा चेंज होके एक नया क्वेश्चन बन गया कि भाई एक ट्रायंगल है उसके मेरे को तीनों वर्टिसेस के बारे में पता है, मुझे क्या निकालना है उसका एरिया निकालना है। ठीक है जी, क्योंकि पॉइंट ए मेरा 0.0 है, पॉइंट बी मेरा k, k है, पॉइंट सी मेरा k, क्या है जी माइनस k है। क्लियर है जी? हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ, ऑर्डर में चूज कर लेते हैं भाई, x1 y1 x2 y2 x3 y2, फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। x1 कितना है जी 0 मल्टीप्लाइड बाय y2 - y3, क्या लिखने की भी जरूरत है नहीं, पर मैं जस्ट आपके लिए लिख देता हूं क्या आएगा, y2 क्या k माइनस प्लस k हो जाएगा, प्लस x2 कितना है जी x2 इंटू क्या था y3 माइनस y1, प्लस फिर क्या आएगा x3 क्या था k इंटू क्या था जी हमारे पास y1 - y2 0 - k, तो हाफ मोड के अंदर क्या बन रहा है जी माइनस के। हाँ जी, -2 के मॉडुलस है तो माइनस साइन हट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई जी k2, मेरा क्या है जी एरिया है। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है बेटा जी? ओके, दूसरी चीज देखो बेटा, मैं इन लाइंस को ड्रॉ करता हूं, एक्स एक्सिस वाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये मेरा क्या है जी वाई इज इक्वल टू माइनस। बेटा ये इतनी कॉमन लाइंस है, आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा यूज। y इज इक्वल टू x वाली जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास करती है और ये 45 डिग्री पे होती है, ये मेरी लाइन है y इज इक्वल, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस x से ऑपोजिट, ये मेरी लाइन है y इज इक्वल टू माइनस, इसका इधर प्लस 45, ये इधर नीचे 45, इज दिस क्लियर है। x इज इक्वल टू क्या दिया है कॉन्स्टेंट, मतलब ये कि यहाँ पे एक पॉइंट होता है k, 0, इससे जो लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, इससे जो लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो मेरी लाइन होगी एक्स इक्वल टू। क्लियर है? अभी देखो एक्स कोऑर्डिनेट के है, वाई और एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो ये क्या बन गया जी के कॉमा के, ये पॉइंट क्या है जी एक्स कोऑर्डिनेट के है, ये क्या आ गया जी माइनस के, ये क्या जी 0.0। इक्वेशन को ड्रॉ करते मुझे सारे वर्टिसेस साफ दिखे,
ठीक है। अब ये देखो ये डिस्टेंस कितना है जी, ये डिस्टेंस भी कितना है जी, ये डिस्टेंस भी कितना है जी, तो बेस कितना हो गया के प्लस के टू के, परपेंडिकुलर कितना हो गया जी के, तो एरिया क्या होगा हाफ बेस, बेस कितना था टू के, हाइट कितनी है जी के, कितना आ गया जी। तो ग्राफिकली ड्रॉ कर लें तो काम मेरा और भी ज्यादा इजी है, पर ये मैंने आपको जनरल अप्रोच बता दी कि अगर इतने इजी क्वेश्चन ना देख के कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे देते, यानी कि साथ जिसको आप डायरेक्टली ड्रॉ करके नहीं कर सकते थे, कि जैसे x माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री दे दी, थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू सेवन दे दी, फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू टेन दे दी, तो अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाती तो फिर ये अप्रोच आपके काम नहीं आनी थी, फिर आप यही करते कि तीन इक्वेशन पता है दो दो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते, तीन पॉइंट आ गए, तीन पॉइंट से फिर आप क्या निकाल लोगे एरिया निकाल लोगे। क्लियर है जी? तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बस ऐसे कर दो बेटा अपने आप, ये तो बहुत इजी चीज है, ये दिख ही रहा है ये होगा, ये मेथड टू है, यहां से कर दो तो पूरा प्रॉपर करके करना है, अदरवाइज ग्राफ बनाओ साफ चीज दिख रही है ग्राफ से और कुछ लिखा, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बेटा ये चीज, ठीक है। हाँ जी, एक लाइन दी थी, लाइन की क्वेश्चन आई थिंक ये थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर था, और एक पॉइंट दिया था, क्या था पॉइंट, माइनस वन कॉमा टू, ओके जी, इससे लाइन पास कर रही है और ये लाइन इसको जो कट कर रही है वो एट ए डिस्टेंस थ्री पे कट कर रही थी, सही क्वेश्चन था। तो हमें दो पॉइंट्स का, ये देखो ना, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ये चीज है जी, हमें फाइंड क्या करना, क्या फाइंड करना है, हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है कि वो जहां पर उसको कट कर रही है, ठीक है जी। तो अगर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें कितनी चीज चाहिए, दो, कौन कौन सी दो चीजें, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप, एक पॉइंट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि लेट स्लोप ऑफ पीएमवीएम, जो पीएम वाली लाइन है उसकी स्लोप कितनी है, स्लोप आ गई मेरे पास, ठीक है, पॉइंट भी है मेरे पास, पॉइंट भी है स्लोप भी है, इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, इक्वेशन ऑफ पीएम क्या है, y माइनस वाई वन, वाई वन कितना जी मेरा टू है, इज इक्वल टू स्लोप के m, x माइनस एक्स वन यानी कि x प्लस वन, ठीक है, सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं, माइनस एम एक्स, ठीक है जी, प्लस y माइनस टू है, प्लस m इधर जाए क्या हो गया जी, माइनस m इज इक्वल टू जीरो, यानी कि माइनस ऑफ टू प्लस m इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो मेरे पास इस लाइन की क्वेश्चन आ गई, हमें इस लाइन की क्वेश्चन पता है और मेरे को ये पता है कि जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, थ्री है, क्लियर है जी, ओके जी। तो ये हमें एक लाइन दी हुई थी, ये वन लाइन, क्या लाइन दी हुई हमें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर है, माइनस फोर इक्वल टू थ्री, दो लाइन की क्वेश्चन पता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ज्यादा बेटर क्या जो मैंने मेथड बताया वो यूज करो, तो एक्स माइनस वाई एक्स के नीचे वैल्यू लिखनी है, एक्स वाला कॉलम फोर, वन इंटू माइनस फोर कितना आएगा जी, माइनस फोर, फिर क्या आएगा जी, माइनस का साइन, फिर दोबारा से वन इंटू माइनस ऑफ, तो जो वन से करोगे ये चीज आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू प्लस, y के नीचे y वाला कॉलम छोड़ दो, माइनस एम इंटू माइनस फोर कितना आ गया जी, फोर है,
माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस, टू प्लस है, ठीक है। वन के लिए ये चीज छोड़ दो, माइनस एम इन टू वन माइनस है, माइनस कितना आ गया जी, तो एक्स अपॉन एम माइनस टू, वाई अपॉन फोर एम प्लस एम कितना आ गया जी, फाइव एम प्लस टू आगे गया जी, माइनस प्लस एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम प्लस, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ एम माइनस टू अपॉन एम प्लस वन, y की वैल्यू आएगी माइनस में माइनस कैंसल, कितना आ गया जी, फाइव एम टू अपॉन एम प्लस वन। तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया जी, माइनस ऑफ m माइनस टू एम प्लस वन, फाइव एम प्लस टू अपॉन एम प्लस वन, ठीक है। अब फिर हमें गिवन है जी pm, pm इज इक्वल टू क्या जी, थ्री, क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, m की टर्म में इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लोगे m आ, ठीक है। तो ये मेरा एक मेथड है, और अप्रोच देखो क्या हो सकती है, अप्रोचेस देखनी हमने तो क्या क्या हो सकती है। ये दो लाइंस दी हुई है स्ट्रेट लाइन की, बेटा ये ब्यूटी हर क्वेश्चन को करना है कि एक से ज्यादा मेथड हो जाता, ये पॉइंट पी है, ये मेरी लाइन है। अब ये जो पॉइंट एम है, एम मेरा इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाइड जरूर करेगा। अगर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो वो किसी पैरामीटर की टर्म में अज्यूम करता है, जैसे एक्स को कुछ मान लो और वाई की वैल्यू उसकी टर्म में निकाल, जैसे मैं मान लेता हूं कि फोर पॉइंट एम एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स की वैल्यू टी ले ली तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, फोर माइनस टी। तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट क्या बन गए जी, टी कॉमा फोर माइनस टी, डायरेक्ट आ गया। पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता है, और डिस्टेंस पता है, बस लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। पी एम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ जी, थ्री, यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये देखो क्या आएगा जी, टी माइनस माइनस वन टी प्लस वन होल स्क्वायर, प्लस क्या आएगा जी, फोर माइनस टी माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब ये देखो इस डिस्टेंस पे, यहां देखो कितनी बड़ी अप्रोच लगा लगा के फिर यहां पहुंचे थे, और उसकी भी कैलकुलेशन देखो कैसी थी, यहां पे मैंने बस इतनी सी चीज यूज करी, मैं सीधा स्टेप पे पहुंच गया, और कैलकुलेशन भी देखो कितनी ज्यादा इजी, समझ गए। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा प्रैक्टिस से ही कि कौन सी अप्रोच आपके लिए छोटी रहेगी और इजी रहेगी, पर प्रैक्टिस करनी। और फिलहाल पहली अप्रोच में आपसे क्या चाहता हूँ कि चाहे आप लंबे मेथड सॉल्व कर दो, पहली अप्रोच आपकी क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, फिर दूसरी अप्रोच क्या है कि क्या उसको करने का कोई और मेथड, कोई और छोटा मेथड है के नहीं है, तो पहली टारगेट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो। स्केयरिंग बहुत सही, टी प्लस वन का स्केयर है, यहां क्या बन गया, फोर माइनस टी माइनस टू, तो क्या बन जाएगा जी आपका, टू माइनस टी का स्केयर, थ्री का स्केयर क्या चीज है जी, तो टी स्केयर प्लस वन प्लस टू टी, फोर प्लस टी स्केयर माइनस फोर टी इज इक्वल टू नाइन, टी स्केयर प्लस टी स्केयर टू टी स्केयर, टू टी माइनस फोर टी माइनस टू टी, फोर प्लस वन कितना है जी, फाइव, ठीक है जी, नाइन को इधर ले आओ, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। तो टी स्केयर माइनस टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो टी माइनस टू एंड टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू टू है, और टी की वैल्यू क्या चीज है जी, माइनस वन, टी की वैल्यू को टू डाल दोगे तो एम की एक वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू को माइनस वन डाल दोगे तो एम की दूसरी वैल्यू। अब ये देखो यहाँ पे एम की दो वैल्यूज क्यों आ रही, अंडरस्टूड है बेटा, देखो ये डिस्टेंस थ्री है, तो डिस्टेंस थ्री पे यहां भी तो पॉइंट आ सकता है, दिस इज क्लियर है जी। तो अगर मैं ये कहूंगी इस पॉइंट से इसके डिस्टेंस थ्री पे देखना, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो कितने पॉइंट आने थे, दो, दो पॉइंट आ गए थे। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इसकी भी डायरेक्शन आ जाएगी, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इसकी भी डायरेक्शन आ जाएगी। लाइन में डायरेक्शन से मतलब क्या है, लाइन की स्लोप, तो मुझे ये दोनों स्लोप्स बतानी थी, क्लियर है जी। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और बेटा जी जिन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी की 10.3 मिसलेनियस प्रैक्टिस नहीं करी है, प्लीज कर लो उसको,
अभी भी बहुत क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, मुझे पता है, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग खुद उन पे सोचो, उसके बाद मन को सॉल्व करूंगा, इसलिए बार बार आपको वो करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास तक जरूर की होने चाहिए और ये सारे कंसेप्ट को रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, ओके जी। बाकी बेटा जिन स्टूडेंट का मिस हुआ, मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, कई स्टूडेंट को क्लासेस नहीं लगा रहे, कल 11:30 क्लास है, थर्ड चैप्टर है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का बड़ा, लॉज ऑफ अलजेब्रा। हाँ, मैंने लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ अलजेब्रा याद करने के लिए दिए थे, वो याद करके आना, ठीक है, ओके जी।